सर गानों की बात हो रही है आप चौबीस घंटे भजन घर पे सुनते ही हैं आपने बोला एक भजन यहाँ पे हो जाए भजन सुना देते हैं अभी मैंने करी थी एक रील उसकी बड़ी हाँ वो सब ने देखी हुई है यहाँ पे तो मेरे को बड़ा पसंद है यार बहुत ज्यादा और आ, मैं कहता हूँ कि अगर आप आ, ये पावर देती हैं आपको चीजें बहुत बड़ी पावर देती हैं और ये आपको सुनने चाहिए इससे बड़ी चीज है नहीं है कुछ सर सुना दो ना भी एक तो मैं ना जब भी मेरे को ना बहुत ज्यादा इन चीज़ों से वो है कि जब भी कहीं वो आ जाती है ना भजन सुनाने की बारी तो मेरे को ना ये हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा वो हो जाता है मेरे को ना कहीं मेरे कॉन्सर्ट में बोलते हैं और सुना दो मैं ना मैं नहीं सुनाता कभी नहीं सुनाता क्योंकि फिर एक तो कॉन्सर्ट वगैरह में विदाउट एलकॉल कोई भी आया नहीं होता वहाँ पे है ना वहाँ पे एलकॉल चल रहा होता है सिर्फ और गाना नहीं। भी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी नहीं गाना चाहिए कॉन्सर्ट में तो बिल्कुल नहीं गाना चाहिए जैसे मैंने एक दो सिंगर्स को देखा उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में भजन गाए हैं नहीं गाने चाहिए बिल्कुल नहीं गाने चाहिए क्योंकि वहाँ लोग वो उनका कसूर नहीं है जो नीचे लोग हैं वो तो आए हैं बेचारे वो एन्जॉय कर रहे हैं बट आपको थोड़ी सी रखनी चाहिए तो आप आए हो किसी कॉन्सर्ट में और आप गा रहे हो भजन और वो भी जूते पहन के और ऐसी जगहों पे आई डोंट लाइक दिस तो मैंने गाया था वो आ, श्री राम जान की वही हो जाए सर कुछ नया भी हो सकता आ, है सर मतलब वो तो वो ही हो ही जाए और एक नया आ, हो जाए जरूर भाई हो कुछ और बढ़िया हाँ चलो पहले ये वाला सुना देता हूँ हे दुख भंजन मारुति नंदन सुनलो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम wow. जी वाह मजा गया सर लाइफ सुन के अमेजिंग अमेजिंग अंदर से मन शांत कर दिया तो एक और, एक और अच्छा, तो आजकल इसके बहुत रीमिक्स बन रहे हैं वैसे तो अच्छी बात है भजन के बट हिप हॉप स्टाइल आ रहा है बीट्स आ रही हैं लो फाई आ रहा है आपके उस पर क्या टेक है मेरे को लगता कि भगवान का नाम लेना चाहिए जैसे मर्जी आए चाहे मॉडल उसकी मर्यादा नहीं ख़राब होनी चाहिए बाकी जैसे मर्जी आए वो जैसे मर्जी म्यूज़िक में आए जैसे लोगों को पसंद है वैसे सुन लें सुनो सुनना ज़रूरी सुनना ज़रूरी है वो जैसे मर्जी माध्यम से आए बट उसकी मर्यादा नहीं खराब होनी चाहिए सर थोड़ी सी बात आपकी स्पिरिचुअल साइड की करते हैं आप बहुत ज़्यादा वृंदावन जाते हो ये तो अब हमें पता चला आपने बताया अट्ठाईस साल से आप जा रहे हो क्यों जाते हो आप क्या लगता है आपको वहाँ जाके कैसा फील करते हो आप कुछ बताओ देखो हमारे कुल देवता हैं श्री कृष्ण जी और आ, मुझे सत्ताईस अट्ठाईस साल हो गए हैं लोगों को अब लग रहा होगा कि मैं अब जा रहा हूँ न मुझे सत्ताईस अट्ठाईस साल हो गए हैं वृंदावन जाते हुए और कुंज गलियों में घूमते हुए और मेरे को एक मेरे को तो हर मैं हर होलियों में वहाँ होता हूँ किसी को नहीं पता होता फिर मैं क्योंकि थोड़ा अब ऐसे बताऊंगा तो फिर वो लोग प्यार इतना करते हैं कि वो फिर वहाँ पे आ जाते बट इस बारी मैं बिल्कुल खुलेआम ऐसे गया हूँ और मेरे को लगता है कि अब मैं आगे और ज़्यादा खुलेआम जाऊँगा ठीक है और सत्ताईस सा, अट्ठाईस साल से मतलब कि मैं जा रहा हूँ होलियों हो में और होलियाँ जो वृंदावन की होली है वो कहीं नहीं हो सकती वो वहाँ की होली है देखो वो श्री कृष्ण जी की वो लीलाएं हैं वो उन्होंने रचाई हैं और ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं हैं कि आपको क्या बताऊँ ब्रज की गलियाँ और वहाँ की ब्रज की मिट्टी में ऐसी ताकत है कि आप तो वहाँ जाओ तो बस वो ब्रज की मिट्टी को अपने माथे से लगा लो तो आपको चारों धाम की सैर हो जाएगी और मतलब उनकी इजाज़त के बगैर नहीं आप जा सकते कि आप सोचो क्या वृंदावन चले जाओगे वो किसी भी स्थान की बात हो किसी भी धार्मिक स्थान की बात हो वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते बिल्कुल भी नहीं जा सकते इधर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते आप न वो अगर आप पे आपके ऊपर कृपा करेंगे ना तभी आपको बुलावा आएगा और अगर ए, एक एक बात और है वहाँ पे एक ब्रिजवासी कहते हैं और बहुत जो कथा करते हैं वो भी बहुत कहते हैं देखो तो वृंदावन जाओ तो सोच समझ के जाना क्योंकि फिर आके बदले बदले से हो जाओगे क्या बदलाव आएगा जो बदले बदले क्योंकि वो आप नाम में रच जाओगे देखो वो ऐसी लीलाएं रचाते हैं हमारे बांके बिहारी लाल वो ऐसे हैं कि वो आपको अपना बना लेंगे फिर फिर आप कहीं के नहीं रहोगे फिर उन्हीं के हो जाओगे और कहीं का होना भी नहीं चाहिए आपको उन्हीं का रोना है ना जिंदगी में भगवान के आगे रो लेना किसी के आगे नहीं रोना वो स्वार्थ नहीं रखता वो सिर्फ उसके सामने रो लेना फूट फूट के रो लेना कोई शर्म वाली बात नहीं है बट उसके सामने रो लेना और किसी के सामने नहीं रोना लाइफ में भगवान के सामने ही रोना क्योंकि उसको स्वार्थ है नहीं आपसे कोई बाकी सबको स्वार्थ हो जाएगा सबको और सर ये जो ट्रेंड चल रहा है लोग आजकल सिर्फ रील रील बनाने के लिए जा रहे हैं मतलब अच्छी बात है वहां जाना भी अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं पर उनके लिए के बगैर नहीं जा सकते हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ हाँ और अगर जा रहे हैं अच्छी बात है आप जाओ वीडियो बनाओ रील बनाओ ये कोई मनाही नहीं है हमारे देश में जहाँ भी जाओ आप बना सकते हो पर यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक आप जिस जगह पे जा रहे हो उसका ज्ञान आपको होना बड़ा ज़रूरी है आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे अगर आपको नहीं है तो ले लो वहाँ पे किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हो आप केदारनाथ जाते हो आप महाकाल जाते हो आप काशी विश्वनाथ जाते हो आप गुरुद्वारे जाते हो आप कहीं भी जाते हो आप वृंदावन जाते हो वैष्णो देवी जाते हो उधर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए आप क्यों आ रहे हो अगर आप कल को रील बना रहे हो तो रील में सिर्फ अपने आप को ना दिखाओ उधर की उधर का ज्ञान दो उधर की हिस्ट्री को बताओ कि हम इस करके आए हैं और मैं आज सबसे यही बोलूँगा कि अगर आप रील बना रहे हो बहुत अच्छी बात है भगवान के बारे में बताना उस जगह के बारे में बताना लोगों को जागरूक करना बहुत अच्छी बात है पर उस जिस जगह पे आप हो उसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए उस बारे में भी लोगों को ज्ञान दो कि हम इस वजह से आए हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है क्या भगवान ने यहाँ पे कौन सी लीला रचाई है वो किसी भी आप स्थान में हो। तो ज्ञान लेना और देना बहुत जरूरी है सबसे पहले लेना ज़रूरी है अगर आपको नहीं पता तो ले लो कोई शर्म वाली बात नहीं हम भी खुद सीख रहे हैं अब यार सारी ज़िंदगी ज्ञान तो जितना आपको मिल जाए उतना कम है और अपने संस्कार तो इंसान को पता होने चाहिए अपना कल्चर इंसान को बहुत ज़रूरी है पता होना चाहिए आप रील बनाओ हंड्रेड परसेंट बनाओ आप वीडियोस बनाओ हंड्रेड परसेंट बनाओ मैं सबको बोलूँगा जाओ बनाओ पर आपको ज्ञान भी होना चाहिए और लोगों को दो भी के मैं यहाँ क्यों आया हूँ इसकी हिस्ट्री क्या वो बड़ी ज़रूरी है नहीं पता तो आजकल हर चीज़ है आजकल इतने महात्मा हैं जो आपको इतना ज्ञान देते हैं हमारे प्रेमानंद जी जो हैं वो कितना ज्ञान देते हैं लोगों को क्योंकि इसके बगैर ये जो टाइम चल रहा है ना ये कलयुग का जो ये टाइम चल रहा है दिस टाइम ये 2021 या 22 से स्टार्ट हुआ है ये टाइम बहुत हजारों सालों के लिए आया अब लोग भक्ति में इतना लीन हो जाएंगे इतना लीन हो जाएंगे कि आप छोड़ दो बात और होना भी चाहिए भगवान के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जो आपको बचा सकती है किसी भी चीज़ से अगर आप नाम जप करते हो तो आप लाइफ में बहुत चीज़ों से बच जाओगे अगर आप पाप भी कर रहे हो क्योंकि आपका नाम जप करना वो आपके जो आप पाप कर रहे हो ना उनको ख़त्म करता जाएगा वो वो तो आपको करने भी नहीं देगा फिर पाप सही बात है। और सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ अगर आप इस मार्ग पे चलते हो तो सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट करेंगे ये कौन से भाई लाइन में आ गए हो सही बात है ये क्या करने लग गए हो फिर वो आपको देखते रहेंगे फिर वो आपको देखेंगे फिर वो देख देख के उनके दिमाग में भी कुछ आएगा फिर आप अगर आपके बोलने से किसी को भी इस बात का फायदा होता है तो वो क्यों ना करें सही बात है। ठीक है ना अब हम कहीं जाते हैं अगर हम गऊ माता को जाके खाना खिला रहे हैं चारा खिला रहे हैं हम शिव जी के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो उस बात को बताने में करने में क्यों शर्म करनी है ये अगर दिखावा है तो उसको दिखावे को जितना कर सकते हो करो बड़ा जरूरी है शिव जी हमारे दूध हमारा हमारे पैसे दिए हुए उनके तो हमारी मर्जी हम जो मर्जी करें सही बात है बिल्कुल सही बात है सर सर वाह मज़ा आ गया सर आज देखो हमने कितनी सारी बातें कर ली भूतों की भी गानों की भी मज़ा आ गया बढ़िया बढ़िया वाइब बैठ गई सर एनर्जी आपकी थोड़ी अरे ऐसी आप है। लोगों की एनर्जी इतनी आप इतने अच्छे हो और देखो अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो ऐसे तो आया नहीं हूँ आपके बारे में जानकर ही यहाँ पर आया हूँ अच्छा सर आप इतने फैशनेबल हो आपके ब्लिंग्स दिख रहे हैं आपकी ब्रांड्स दिख रही हैं और लुक्स को लेकर ना लड़कों में यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार मेरे ना बाल बहुत सेट रहे हैं मेरे बाल होने बहुत ज़रूरी हैं आपको कभी ऐसा लगा कि यार कभी ऐसा फील हुआ है कभी किसी स्टेज पर ये अगर बाल आ गए तो वेग गड़बड़ हो जाएगी कैसे? <laughs> ये आपका बाल लखी, नहीं होना चाहिए मेरे को मेरे बाल मेरे को लोग कहते हैं यार लगवा लो क्यों लगवाऊं भाई मेरी पहचान है अभी है मेरी मम्मी बोलती लड़की नहीं मिलेगी हमें नहीं मिलेगी मिलेगी <laughs> 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 वैसे इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो अभी वेग लगा रहे हैं और चल रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है बट ये मेरी पहचान है सर ये बहुत सही चीज़ है क्योंकि यूथ ना आजकल बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है अपनी खामियां छुपाने के लिए कि अगर कुछ उनमें कोई भी वो है तो वो छुपाते हैं एक्सेप्टेंस नहीं है तो मेरे को लगता है स्पिरिचुअल आप शुरू से रहे हो तो एक्सेप्टेंस आपके अंदर बिल्कुल शुरू से है और बहुत बढ़िया चीज़ है सर आ, रैप अप करने से पहले आप अपने एल्बम की कुछ और बातें अगर रिवील कर दो तो मज़ा आ जाए कि कब कब गाने आने वाले बातें या एक दो लाइन हो जाए किसी गाने की जो आने, आने वाला है एक आने वाले केगा मैं जो अभी पांचवे वाले गाने की जो आने वाले या तो उसकी कर दो आने वाले की आपने वाले तीसरा आपकी कास्टिंग होनी है चौथा आपने शूट कर लिया पांचवे की दो लाइनें हो <laughs> चलो जिसकी भी आपको आने मैं वाले मैं क्या लोगे तुम सुना देता हूँ ठीक है चलो अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम या कोई महल नया लोगे तुम यार मेरे तू बता दे मुझे यार मेरे तू बता दे मुझे ओ मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम ये चांद या तारे हवा लोगे तुम या लिखने की मेरी कला लोगे तुम यार मेरे तू बता दे मुझे मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम वा, वा, वा।